सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 61वें श्लोक और 38वीं ध्यान विधि बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताते आया हूँ, यह विज्ञान भैरव तंत्र भगवान भैरव और भगवती भैरवी के मध्य संवाद है। इसमें भगवती भैरवी के द्वारा जो जिज्ञासा की गई है उसका समाधान वे साधना के अर्थ में देते हैं, साधना बतलाते हैं। तो उन्होंने ध्यान विधि की साधना बताई है, तो यहाँ पर वे बता रहे हैं, भावे न्यक्ते निरुद्धा चेन्नैव भावांतरम व्रजेत तदा तन्मध्य भावेन विकसत्यति भावना। अर्थात हम अपने भावों को निरुद्ध कर सकते हैं और जो भी हमारे भाव का जो अंतर है, एक भाव से दूसरे भाव का अंतर, उसका व्रजन कर सकते हैं, यानी उसको हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो हमारा चित्त है वह इन भावों को छोड़ सकता है, नए भावों को पकड़ सकता है, यानी हमारा भाव हमारा चित्त जो है भावों को पकड़ता है और छोड़ता है, और भावों को वह सर्वथा छोड़ सकता है, यानी निरुद्ध हो सकता है, भावों से वह मुक्त भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना है कि उसको भाव के मध्य में, यानी एक भाव जो कि वह पकड़ रहा है और एक भाव जो कि वह छोड़ रहा है, उसके मध्य का जो है, अगर वहाँ पर वह ध्यान करता है तो उसका एक अलग ही प्रकार का विकास हो जाएगा भावना का, और तब उसकी भाव समाधि हो जाती है। यह जो है भाव समाधि कैसे लगती है, यह भाव ध्यान है। यह जैसे काम है, काम की भावना है, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, मोह की भावना है, द्रोह की भावना है, प्रेम की भावना है, तो ये सब अहिंसा की, मैत्री की भावना, ये जितनी भावना है, तो हम लोग के बीच में भावनाएं आते रहती हैं, जाते रहती हैं। अगर जिस वक्त कोई भी भावना उदय हो रही है, उस समय अगर हम अपने में एक जो हमारे भीतर एक साक्षी भावना होती है, जो कि एक गवाह के रूप में होती है, तो अगर हम साक्षी भावना पर ध्यान लगाए रहते हैं, यानी भाव के मध्य में रहते हैं, कहने का मतलब यह है, भाव का मध्य में रहना यही मतलब है कि साक्षी की भावना में रहना। तो एक भाव जो उदय हो रहा है, दूसरा भाव जो लय हो रहा है, तो एक उदय, एक लय, और एक जो है मध्य में स्थित है, यानी तटस्थ है, तटस्थ का जो भाव है, तो तटस्थ भाव में जब हम रहते हैं तो हम भावों से हट जाते हैं, सर्वथा अलग हो जाते हैं, उसके गवाह के रूप में हो जाते हैं, साक्षी भाव विकसित हो जाता है। साक्षी भाव का विकसित हो जाना का मतलब है समभाव में स्थित हो जाना, और समभाव में स्थित हो जाने का मतलब है समाधि में स्थित हो जाना। वह जो संभाव है उसी को योग कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने उसको योग कहा है गीता में, समत्वम योग उच्चयते। तो तमाम प्रकार के जो भाव हैं उसमें हम लोग का चित्त सामान्यतः क्या है कि किसी एक चीज को पकड़ता है, किसी एक की ओर आकर्षित होता है, किसी एक की ओर विकर्षित होता है, तो आकर्षित विकर्षित होता रहता है। तो अगर हम अपने इष्ट में अपने को लगा देते हैं तो जो गैर जरूरी चीजें हैं वे हट जाते हैं। इस प्रकार से भक्त जो है वो सांसारिक जो चीजें हैं उनसे हट के, सांसारिक जो भावनाएं हैं उनसे हट करके, उन भावनाओं को वह
अपने इष्ट में लगा देता है, यानी प्रेम जो है अपने इष्ट में लगा देता है। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रेम इष्ट में लगाने का क्या तात्पर्य उठता है, इससे क्या निहितार्थ क्या, कितने लोगों को तो समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी एक व्यक्ति से प्रेम की बजाय अगर हम सभी व्यक्तियों से प्रेम करें तो क्या होता है कि हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास जितना होता है उतना ही तो लगा सकते हैं। जब हमको एक में लगाना है तो हमारे भीतर उतना ही प्रेम उदय होगा कि एक में लगा सकते हैं। अगर हमको चार में लगाना है तो हमारे भीतर उतना प्रेम उदय होगा कि चार में लगा सकते हैं। अगर हमें दस में लगाना है तो हमारे भीतर उतना प्रेम उदय होगा कि हम दस में लगा सकते हैं। तो हम जितने ज़्यादा में लगाते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम का भाव हमारे भीतर बढ़ता चला जाता है। जब हमारे अस्तित्व में ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रेम विकसित होने लगेगा, जब हम सोचेंगे कि नहीं हमको पूरे संसार में सब सभी मनुष्यों से प्रेम भाव में रहना है, सभी प्राणियों से प्रेम भाव में रहना है, तो हमारे भीतर प्रेम का उबाल आना शुरू हो जाएगा। ये परमात्मा देते हैं, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना हमें मिल जाता है, तो हम उन भावों को उसमें लगा देते, नियोजित करते। यही भक्ति है, यही भक्ति भाव है। तो सभी में लगाते चले जाना अधिक से अधिक, और लगाते चले जाएंगे तो हमारे में भाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी भाव हमें कमी के रूप में नहीं होगा कि हमारे पास इतना भाव ही नहीं है तो हम लगाएंगे क्या, ऐसा नहीं होगा कभी। प्रेम कभी घटता ही नहीं है, एक ऐसी चीज है, इसको आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। यानी आप इनफाइनाइट सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी, आप देते चले जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा। आध्यात्मिक गुण उसी को कहते हैं जिसमें कि कमी नहीं रहती है। कमी हो गई तो उसको सांसारिक चीज कहते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड होता है। प्रेम अनलिमिटेड है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो आध्यात्मिक भाव ये है प्रेम का, भक्ति का, इसको आप बढ़ाते चले जाइए, ये बढ़ता चला जाएगा। सभी को बांटिए, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य हर मनुष्य को दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये भाव बढ़ता चला जाएगा। आपको परमात्मा उतना ही देते जाएंगे और भाव विभोर आप हो जाएंगे, ये जो है भाव समाधि लग जाती है। ये बहुत सरल है और बहुत प्रभावी है, और इसको मैंने बहुतों को कराया है, और आप देखेंगे कि यह इतना मधुर रस है, करुण रस है, कि आप इसमें डूबते चले जाएंगे और आपका सब कुछ जागृत हो जाएगा। इतना सिंपल है यह। और तमाम तरह के इतने ज़्यादा तप वप करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत सा ये सामान्य है, बहुत सामान्य, बहुत तप करना नहीं है, बहुत कठोर नहीं होना है, आपको तो कोमल होना है। कठोरता तो संसार का गुण है, आध्यात्मिकता है कोमलता। तो एक कोमल हो जाना है, कोमल हो जाइए और प्रेम सबको बांटिए, वो प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आप बांटते जाइए वो बढ़ता जाएगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। उसी तरह से विद्या है, जितना देंगे उतना विद्या बढ़ती जाती है। तो ये सब आध्यात्मिक गुण हैं। तो यहाँ जो है यह भाव ध्यान बतलाया है भगवान भैरवी ने, इसको आजमाइए और पाएंगे कि ये कितना मधुर है और कितना सफल है, कितना जल्दी यह सिद्धि देता है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हरिओम।